तो दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ पर आए हैं गाइज एक छोटा सा ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि गाइज मुझे पता चला कि बहुत ही ज़्यादा पानी आ चुका है, पता नहीं कहाँ से बाढ़ आ गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे यहाँ जो पिछली बार मैंने डिग्री कॉलेज के पुल पर वीडियो बनाया था जो आपको दिखाया था, तो यहाँ पर गाइज पानी नहीं था नदी में, ऐसा लगता था कि सूखा ही पड़ गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खदरा दरा जो भी है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे जो ये पुल है, पुल के बराबर पानी बह रहा है। यहाँ पर जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी केवल पानी ही दिखेगी आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यार ये खदरा जो है पानी से पूरा भरा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है जिसमें हम डूब भी सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा ही पूरा पानी दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर अभी दिखाते हैं गाइस जो सड़क पर हम लोग आए हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है, इसके अंदर से हम लोग पानी के अंदर से आए हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर गाइस हमारे चाचा जी हैं जो मछली मार रहे हैं यहाँ पर जल लगा के सड़क पर ही। गाइस तो सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर पानी कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पर। यहाँ से गाइस शुरू हो जाता पानी का बहाव और आगे देखते हैं बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ, जो बाढ़ का ही पानी है, इतना ज़्यादा पानी थोड़ी होता है बरसात में। अभी देखो काफ़ी ज़्यादा पानी है गाइस यहाँ पर, अभी देखते हैं गाइस बिल्कुल पानी एकदम क्लियर है, आपको ज़मीन पर भी दिख रहा होगा सर। तो भाई देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, आप देख सकते हैं ज़मीन के अंदर भी देख सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने भी यहाँ पर जाल लाया था मछली मारने के लिए, थोड़ा सा लगाया था कुछ फंसी या फिर नहीं फंसी थोड़ा सा दिखाते हैं, बस आप लोग वीडियो में आते तो बने रहेंगे। निकाल लो तो दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं पर यार, क्योंकि आज के इस वीडियो में यार हमने एक भी मछलियाँ नहीं पकड़ पाई है जाल लगाकर भी। तो जिस दिन यार मछलियाँ मिलेंगे उसी दिन हम आपको दोबारा से एक ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे छोटा सा। लेकिन आज का वीडियो बस यहीं पर हम मिलते हैं इसके नए वीडियो के लिए। जय हिंद जय भारत।